वेलकम टू माय चैनल जैके लेबोरियस। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक जीमेल अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट पर कोई फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कोई भी नया वीडियो मैं जब बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीमेल लिखा हुआ है। यहाँ से भी मैं सेंड कर सकता हूँ, चाहे सेंट मेल यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जीमेल लिखा हुआ है, यहाँ से भी सेंड कर सकता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ से जीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद मुझे कंपोज पे क्लिक करना है। देखिए कंपोज पे क्लिक कीजिएगा। देखिए कंपोज करने के बाद जिसके पास भेजना है उसका इसमें ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसके पास मैं उसका ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। जिसके पास भेजना हो कोई डॉक्यूमेंट्स उसका ईमेल आईडी डाल दीजिएगा यहाँ पर 2 में। और आपका ईमेल आईडी तो खुला ही है, आप भेज रहे हैं तो जिसके पास भेजना है उसका इसमें ईमेल आईडी रहेगा। देखिए हो गया। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट डाल देना है, कौन सा आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कोई पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, पीडीएफ फाइल या कोई पिक्चर हो, आप पिक्चर भी लिख सकते हैं, जो भी आपको भेजना हो आप भेज सकते हैं। तो देखिए मैं मान लीजिए पिक्चर भेजना चाहता हूँ, एक पिक्चर भेजना चाहता हूँ और एक डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिख दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर देखिए अटैच फाइल लिखा हुआ है, इस पर जाना है। और यहाँ से मान लीजिए मैं ये डिक्लेरेशन जो लिखा हुआ है ये एक पीडीएफ फाइल है, इसको भेजना चाहता हूँ। और एक फ़ोटो है, मान लीजिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ। आप कुछ भी भेज सकते हैं ईमेल आईडी पर। तो देखिए मैं उसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ओपन कर दूँगा। देखिए देखिए हो गया। उसके बाद आप मुझे सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पिक्चर था और डॉक्यूमेंट था, डिक्लेरेशन पीडीएफ और सेफ इमेज दोनों ही वो मेरे दोस्त के ईमेल आईडी पर चला जाएगा। देखिए चला गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किसके पास भेजे हैं। तो देखिए सेंट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका मैसेज गया है कि नहीं। तो देखिए मेरा मैसेज चला गया है यहाँ पर। देखिए सेंट में आकर इस पर क्लिक कीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि आप अपना इमेज और जो डिक्लेरेशन फॉर्म था आप भेज दिए हैं। तो ऐसे ही आप भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो किसी के पास भी भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।